नमस्कार, हूँ दीपाली। समाचारों की शुरुआत में बात श्रीलंका की परिस्थिति की करिए तो श्रीलंका में अत्यारे प्रदर्शनकारियों विरोध प्रदर्शन वच्चे इमरजेंसी लागू करी देवामां आवी छे। आपने जणावी दीए कि राष्ट्रपति देश छोड़ने भाग्या बाद हवे इमरजेंसी लागू करी देवामां आवी छे। एक तरफ प्रदर्शनकारियों में रोष जोवा मळ्यो छे, कोलंबो में कर्फ्यू पण लगावी देवामां आव्यो छे, कारण के हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों रस्ता पर उतरी आव्या छे, विरोध प्रदर्शन करी रह्या छे अने तेने जोता कर्फ्यू नो निर्णय। कोशिश कर रहा हूं इस कोने से और पब्लिक लगातार आ रही है और देखिए निकलना कितना मुश्किल हुआ जा रहा है। एक्सक्यूज मी, गिव मी द वे प्लीज। ये देखिए, ये मैं उस कोने से इस कोने आ गया हूं, आपको यहां से अंदाजा लगेगा। ये देखिए, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। हम जहां जहां बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब ये टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं उसके बाद ये भीड़ और आ गई है। और यहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए यहां से ये फ्रंट गेट देखिए, प्रधानमंत्री के घर का फ्रंट गेट, लोग चढ़े हुए किनारे से, लोग चढ़े हुए हैं ऊपर, ब्लैक कैट कमांडो हैं और यहाँ लगातार लोग शोर कर रहे हैं। और ये देखिए, इधर से एक और रेला है प्रदर्शनकारियों का, सामने से देखिए प्रदर्शनकारियों का एक और रेला, और ये पानी लेकर के आए हैं, टीयर गैस। ये देखिए लोगों को पानी बांटा जा रहा है, सामने की तस्वीरें किस तरह से ये बैकअप है, बैकअप सिस्टम यहाँ पर बना रखा है, नागरिकों ने अपना बैकअप सिस्टम बना रखा है, यानी कि ये पानी उनको चाहिए, पानी इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर जमकर के टीयर गैस के गोले खोले जा रहे हैं। ऐसे में पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो भी काम नहीं, वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। और पानी की बोतल है और उसके लिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है, इसमें जैसे पानी की बोतल आई है एक के बाद दूसरे वाहन यहाँ पर आ रहे हैं। क्षेत्र और किनारे आइएगा, ये देखिए, हेलो हेलो हेलो, જ્યાં પ્રદર્શનકારીઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચી ગયા છે, સૈન્ય દ્વારા મોરચો સંભાળી લેવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં અમારા સંવાદદાતા પણ પહોંચેલા છે અને પળેપળની અપડેટ અત્યારે અમારા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ કે ટીયર ગેસના સેલ અહીં સતત પ્રદર્શનકારીઓને રોકવા માટે છોડવામાં આવી રહ્યા છે, તો આ પરિસ્થિતિ અત્યારે અમે આપને શ્રીલંકામાં જે સર્જાયેલી છે તે બતાવી રહ્યા છીએ। किस तरह से बोतलें फेंकी जा रही है, यहाँ पर आ गई हैं। ये देखिए पब्लिक में बोतलें फेंकी जा रही हैं, एक खेप अभी ये भी हमारे सामने आई है, और ये बोतलें इसलिए फेंकी जा रही हैं क्योंकि जो टीयर गैस है वो किसी भी समय फिर से दागी जा सकती है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसे में यहाँ पर पानी लेकर के लाए हैं बोतल देने के लिए। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ, चेतन इधर आइएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको एक किनारे से दिखा रहे हैं, इधर से भी, और ये देखिए सामने जितना आखिरी तक दिखाइएगा, पूरा रोड ब्लॉक हो गई। ये देखिए सामने की ओर पूरा रोड ब्लॉक हो गई, ये स्थिति कितनी विकट है, ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। सामने से हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं, ये देखिए पूरी रोड ब्लॉक है, दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। प्रधानमंत्री के आवास पर कई किलोमीटर तक मोर्चेबंदी हो चुकी है और ये मोर्चेबंदी बता रही है कि हालात बेहद ही संवेदनशील हैं, बेहद ही हालात खतरनाक हो चुके हैं। ये पब्लिक कहीं जाने वाली नहीं है, इनके पास बैकअप है, लगातार बैकअप लेकर के जवान आ रहे हैं, इन्हीं के बीच के जवान यूथ यहाँ का पहुँच रहा है और ये शोर हो रहा है। और ये देखिए लोग जा रहे हैं यहाँ से, पानी की बोतलें दे करके यहाँ से वापस जाते हुए लोग, और नारे लगा रहे हैं लगातार, ये देखिए ये नारे लगा रहे हैं यहाँ से जाते हुए, वोट अगेन। हाँ ये देखिए ये लगातार, तो इस तरह से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा विरोध चल रहा है। ये जगह अभी खाली हुई, अभी यहाँ से गाड़ी निकली है और ये जगह हम आपको इसी गाड़ी का रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब आप देखते जाइए हर तरफ ये, और ये गली देखिए, ये बगल वाली गली है प्रधानमंत्री के आवास की, ये गली भी पूरी भर गई है लोगों से, ज़बरदस्त लोगों का हुजूम है, आप इनको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं जब तक रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देते हैं। ये बात एकदम नोट कर लेने वाली है, तब तक ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और इनको हिला सकने की ताकत भी पुलिस के अंदर है नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, आप इस संख्या का मुकाबला कर नहीं सकते हैं जी। તો અત્યારે હાલ લોકો અત્યારે મોટી સંખ્યામાં પીએમ આવાસથી બહાર પહોંચી ચૂક્યા છે અને દેશમાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તેને લઈને તેમનામાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। શ્રીલંકાની આ પરિસ્થિતિ પર પળેપળની અપડેટ અમારા જાંબાઝ રિપોર્ટર અભિષેક ઉપાધ્યાય અત્યારે આપી રહ્યા છે। આપણે જણાવી કે ટીયર ગેસના સેલ સતત અહીં છોડવામાં આવી રહ્યા છે ટોળાને વિખેરવા માટે, પરંતુ પૂરા બેકઅપ સાથે અત્યારે પ્રદર્શનકારીઓ ત્યાં પહોંચ્યા
देखिए फिर से टीयर गैस फायरिंग शुरू हो गई और ये एक और हेलीकॉप्टर आ गया यहाँ पर, एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गया है और टीयर गैस फिर से एक बार फेंकी जा रही है। ये देखिए एक बार फिर से टीयर गैस और टीयर गैस दोनों ओर से फेंकी जा रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखिए जबरदस्त टीयर गैस अटैक यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए और लोग भाग रहे हैं, एक बार फिर से टीयर गैस फेंकी गई है। चेतन इधर दिखाईगा, इधर 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 फर्स्ट। और ये देखिए भागते हुए लोग हमको नजर आ रहे हैं। अभी दोबारा टीयर गैस अटैक हुआ है। चेतन संभाल के। ये देखिए और बहुत ही तेज टीयर गैस लग रही है इस समय आंखों में और भागती हुई पब्लिक हमको यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार टीयर गैस अटैक हो रहा है। ओ फर्स्ट आंखों में बहुत तेज टीयर गैस लग रही है इस समय। और पानी वाटर 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 प्लीज। और यहाँ से हमारा रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय सतत अहवाल आप रहा है। तो प्रदर्शनकारियों वच्चे अत्यारे तेनी स्थिति जाणवानो प्रयत्न करी रहा छे ने वच्चे टीयर गैस सेल पण छोड़वामां आवी रहा छे। टोळाने विखेरवा माटे सैन्य कार्यवाही पण अत्यारे